आज की विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ नई नई जानकारियां साझा की हैं अपने वेबसाइट पर, या कह लें कुछ नए नए नियम बनाए हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या चीजें हैं वो। देखिए, मैं ऑन स्क्रीन आपको दिखाता चलता हूँ। ये यूजीसी की वेबसाइट है। यूजीसी की वेबसाइट पर एक आता है नोटिस करके, जब UGC.ac.in आप खोलेंगे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो ये नोटिस @UGC आता है। इसमें सबसे पहली जो चौंकाने वाली घटना है वह यह है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के डिस्टेंट एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा को UGC ने मान्यता नहीं दिया है, और या फिर कह लें कि उसकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर उसने आपत्ति उठाई है। UGC ने अपने एक पत्र में कहा है, देखिए ये पत्र मैं आपको दिखाता हूं, सर्च कर लेते हैं यहां। ये देखिए पब्लिक नोटिस वायलेशन ऑफ, ये इसमें देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि इसमें क्या कमी है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी को क्यों इन्होंने मना किया है, खुल रहा है। इसके अलावा सिर्फ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की खबर नहीं, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे आपको सही चीज की जानकारी मिल पाएगी। ये देखिए स्क्रीन पर मेरे सामने ये अन्नामलाई विश्वविद्यालय के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो विवरण दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ करके। देखिए इसमें ये लेटर हेड है UGC का, और ये 25 मार्च 2022 को जारी हुआ है। ये पूरा विवरण देखिए, इसमें इन्होंने कहा है वायलेशन ऑफ अन्नामलाई, वायलेशन बाय अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु इन रनिंग एजुकेशन प्रोग्राम विदाउट अप्रूवल ऑफ UGC। इसका मतलब है कि UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना अन्नामलाई विश्वविद्यालय कुछ कार्यक्रम चला रही है। देखिए इसमें लिखा हुआ, आगे लिखता हुआ है कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ UGC दैट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इज रनिंग द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम एंड एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये UGC का जो रेगुलेशन है 2017, इसको फिर 2020 में फिर से किया गया है, तो इसके अनुसार अन्नामलाई विश्वविद्यालय छात्रों को अपने यहाँ भर्ती कर रही है, जबकि इनका कहना है कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी वाज ओनली रिकॉग्नाइज्ड टू ऑफर एनी प्रोग्राम इन ODL मोड टिल एकेडमिक ईयर 2014-15। अर्थात अन्नामलाई विश्वविद्यालय को 2014-15 तक ही मान्यता मिली थी दूरस्थ शिक्षा ODL माध्यम से शिक्षा देने की, लेकिन अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने उसके बाद फिर इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति नहीं मांगी, इसलिए इन्होंने कहा है देयरफॉर द जनरल पब्लिक स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर कॉशन्ड थ्रू दिस पब्लिक नोटिस नॉट टू टेक एडमिशन। ध्यान दें, इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में अगर आप अन्नामलाई विश्वविद्यालय से प्रवेश लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वह मान्य नहीं होगी। यह थी खबर अन्नामलाई विश्वविद्यालय के बारे में। अब आते हैं इसके साथ ही हम दूसरे विश्वविद्यालय से संबंधित दूसरे समाचारों की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या है आपके लिए, उसमें जो नई चीज है मैं फिर उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने कुछ पाठ्यक्रम, कुछ कोर्सेज के ड्यूरेशन, अर्थात कोई कोर्स 2 साल का है, कोई कोर्स 3 साल का है, उसका जो ड्यूरेशन है उसको इन्होंने कम किया है और किसी का बढ़ाया है। आइए हम उस नोटिफिकेशन को भी देखते हैं। ये स्क्रीन साझा कर रहा हूं मैं। इसमें देखिए इन्होंने दिया है UGC लेटर रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू डिग्री ड्यूरेशन ऑफ सम डिग्री अंडर सेक्शन 22 ऑफ UGC एक्ट 1956। अब ये हम देखते हैं ये क्या कहता है, खुल रहा है, अगला स्क्रीन खुलने तक थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है जैसे कई ऐसे कोर्सेज थे जो कोर्स पहले 3 साल के थे या 2 साल के थे, उनके ड्यूरेशन मतलब उनकी अवधि में इन्होंने परिवर्तन किया है, और वह क्या है मैं एक बार और आपको दिखाता हूं। ये देखिए भारत सरकार का, अभी स्क्रीन साझा होने जा रहा है, भारत सरकार का
राजपत्र अर्थात गजट ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने दिखाया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कुछ पाठ्यक्रम जिसको इन्होंने बढ़ाया या कम किया है। देखिए सबसे पहला है इसमें एक पाठ्यक्रम है मेडिसिन के मामले में, इसमें है बी एस आर एम एस, इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ स्वारिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 साल का है, स्नातक स्तर की परीक्षा है ये, और 10+2 वाले इसमें भाग लेते हैं। ये यूनानी से संबंधित है मुझे लगता है। और इसके बाद इन्होंने जो दूसरा दिया है इसी में भारत सरकार का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट है, इसमें 3 मार्च को अधिसूचित किया गया है MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पहले 3 वर्ष का हुआ करता था, उसकी अवधि इन्होंने 2 वर्ष कर दिया है। अब आप 2 वर्ष में ही MCA हो सकते हैं। और कहीं इन्होंने यह भी कहा है कि अब MCA के लिए मैथ्स पढ़ना जरूरी नहीं, 2-4 ऐसे पाठ्यक्रम हैं इंजीनियरिंग के जिनके लिए UGC ने कहा है कि नहीं अब आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं उनके लिए। फिर अगला इन्होंने है BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये फिजियोथेरेपी से मिला जुला ही एक पाठ्यक्रम है, यह 4.5 साल का है, पहले यह 4 साल का हुआ करता था, 10+2 के बाद आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद देखिए BFTech, MFTech, ये सब फैशन टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम है, MFM, BUD, MUD, इन सब का भी पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाई गई है, BFTech की 4 साल, MFTech की 2 साल, MA के बराबर माना जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। इसी तरह BUD बैचलर ऑफ अर्बन डिजाइन 10+2 लेते हैं और ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। ये सब नई शिक्षा नीति के आधार पर हुआ है। और उसके बाद स्पोर्ट्स में, खेल कूद में नए जो पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं BSM बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये 3 वर्ष का है, 12वीं पास करने के बाद आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद MSM है मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये 2 वर्ष का है, और BSS बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस है, यह 3 वर्ष का है, 10+2 वाले कर सकते हैं, और MSS मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस ये पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है, इसमें बैचलर लोग कर सकते हैं। ये नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसी तरह से और भी विवरण इन्होंने दिया है। काफी पाठ्यक्रम के अवधि में, पाठ्यक्रम के ड्यूरेशन में इन्होंने परिवर्तन किया है, तो आप जब पढ़ाई के लिए जाएं तो उसके अनुसार आप अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी चीजें इन्होंने दी है, जैसे आप अगर मान लीजिए UGC नेट किए हुए हैं, JRF किए हुए हैं, तो पहले 3 वर्ष ही उसकी वैलिडिटी, उसकी पात्रता रहती थी, लेकिन अब उसमें भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और अधिसूचना दिया है जिसमें चीन में पढ़ने वाले लोगों को इन्होंने कहा है कि भाई आप अपने रिस्क पे वहां जाएं, क्योंकि चीन की जो विश्वविद्यालय हैं वे विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम करवा रही हैं, और इनका मानना है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम अगर आप वहां से करके आते हैं और भारत में उसकी मान्यता ना हो तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। आज के UGC के इस विशेष सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में फिर शिक्षा दीक्षा से जुड़ी और कुछ जानकारियां लेकर के मैं पुनः आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।